हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है बिट वाइज ऑपरेटर का, जो कि सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट है, जो है कि बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। कॉम्प्लीमेंट का सिंबल ऐसे होता है और ये स्किप की जहाँ पे दी होती है उसके जस्ट नीचे कीबोर्ड में दिया गया होता है कॉम्प्लीमेंट का सिंबल। ये होता है बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, जो कि बिट वाइज ऑपरेटर का फर्स्ट पार्ट है। आज हम इसे देखेंगे कि बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है और इसका सिंटैक्स क्या होता है। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। द कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर स्विचेस ऑल द बिट्स इन अ बाइनरी पैटर्न दैट इज ऑल द जीरोस बिकम वंस एंड ऑल द वंस बिकम जीरोस। यानी जो हमारा बिट वाइज ऑपरेटर होता है ये दो वैल्यू को रखता है, यानी कि जो कि बाइनरी डिजिट होते हैं यानी बाइनरी के पैटर्न होते हैं उसमें से क्या होता है, अगर यानी जो बाइनरी पैटर्न है अगर उसमें आपकी वैल्यू क्या है जीरो है तो ये उसे क्या कर देगा, कॉम्प्लीमेंट करके वन कर देगा। अगर वन है तो ये उसे वंस बिकम जीरो, और अगर वन है तो उसे क्या कर देगा, जीरो कर देगा। यानी कॉम्प्लीमेंट ये जस्ट अपोजिट कर देता है, जीरो को वन करता है और वन को जीरो करता है। सिंटैक्स अगर देखते हैं तो क्या है, यहाँ पर वेरिएबल टू है इक्वल और कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर वेरिएबल वन है। यानी कि आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को यदि कॉम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं तो उसके बाद अगर मान लो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ए की वैल्यू यहाँ पर 5 है और मुझे क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट करना है। तो कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसे एक वेरिएबल में स्टोर करना होगा। तो मैंने इंट एक वेरिएबल बना लिया जिसमें डिफाइन कर दिया ए इक्वल 5 है और एक वेरिएबल बी बना लिया। अब बी में क्या करेंगे, हम बी इक्वल कर देंगे कॉम्प्लीमेंट ए, यानी कि जो भी ए की वैल्यू है वो क्या हो जाए, कॉम्प्लीमेंट होकर के बी में क्या हो जाए, स्टोर हो जाए। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, सिंटैक्स का यूज करते हैं यानी बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर में। उसके बाद अगर हम देखें कि कॉम्प्लीमेंट जो ऑपरेटर होता है ये क्या करता है, अगर आपकी ओरिजिनल वैल्यू यानी कि जो भी आपने वैल्यू दी है वो जीरो है तो ये क्या कर देगा, वंस कॉम्प्लीमेंट भी हम इसे बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि वैल्यू जस्ट अपोजिट हो जाती है। अगर आपकी जो बाइनरी डिजिट है वो जीरो है तो ये क्या कर देगा, बिट जो है वो जीरो है तो इसे वन कर देगा, और अगर वन है तो इसे क्या कर देगा, जीरो कर देगा। यानी कि ये होता है कॉम्प्लीमेंट। अगर हम देखते हैं जो हमारा टू नंबर है इसका बाइनरी क्या होता है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बाइनरी क्या होता है इसमें, क्योंकि बिट वाइज ऑपरेटर बाइनरी नंबर्स बाइनरी पैटर्न पर ही वर्क करता है। तो हमें चीजें पता होनी चाहिए कि बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं, और अगर डेसिमल किसी भी डिजिटल नंबर को यानी कि डेसिमल नंबर को डिजिटल नंबर को अगर आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो उसे आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। इसकी हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप जा करके वहाँ पर नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि किसी भी यानी कि जो भी हमारे नंबर सिस्टम होते हैं उनका हम कन्वर्जन कैसे करते हैं, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, और डिजिटल नंबर सिस्टम जो हमारे होते हैं उनका हम कन्वर्जन वहाँ पर कैसे करते हैं, मैंने पहले ही बता रखा है। अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लीज देख लीजिएगा। तो फर्स्ट हम देखते हैं, अगर हमारा टू बाइनरी यहाँ पर क्या दिया है, ये ओरिजिनल वैल्यू है हमारी, यानी कि जो हमारी वैल्यू है ये एक नंबर दिया गया है और ये टू नंबर है, बट हमारा जो बिटवाइज ऑपरेटर है वो जीरो एंड वन के फॉर्मेट में यानी बाइनरी पैटर्न पर वही वर्क करता है। तो सबसे पहले टू का बाइनरी क्या होगा, हमें ये निकालना होगा। तो टू का बाइनरी 0010 होता है। अगर हम देखें 2 का मुझे क्या करना है, जो हमारा 2 नंबर है इसका कॉम्प्लीमेंट करना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, अगर 2 का हमें कॉम्प्लीमेंट करना है तो इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या लिखना होगा, जो 2 है इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0010 ये इसकी वैल्यू है और इसका क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पर सिंपल सा 2 जो था ये था, बट अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट करें 2 का तो ये क्या हो जाएगा, जीरो को वन हो जाएगा और वन का जीरो हो जाएगा, जीरो का वन और जीरो का वन, तो ये क्या होगा, हमारा टू का कॉम्प्लीमेंट होकर के 1101, ये भी किसी न किसी नंबर का क्या है, बाइनरी नंबर है, बाइनरी पैटर्न है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर्स का पहले बाइनरी पैटर्न निकालते हैं, फिर उस बाइनरी पैटर्न का हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, फिर जो आंसर हमें आता है वो भी बाइनरी पैटर्न में आएगा, बट जो बाइनरी पैटर्न हमें रिटर्न होता है
वो किसी न किसी नंबर का बाइनरी पैटर्न होता है। तो यहाँ पर ये जो कॉम्प्लीमेंट टू का किया मैंने, तो यहाँ पर ये जो बाइनरी पैटर्न रिटर्न हुआ, ये भी किसी न किसी नंबर का क्या है, बाइनरी पैटर्न है। तो इस प्रकार से अगर हमें दे दिया गया फाइव नंबर दे दिया गया, इसका क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है, कॉम्प्लीमेंट इसका करना है। तो फाइव हमें जो नंबर दिया गया है, फाइव इसका बाइनरी क्या होता है, 0101 इसका बाइनरी होता है। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट मैं करूं यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे मैंने लिख दिया, कॉम्प्लीमेंट कर दिया फाइव का, तो ये क्या हो जाएगा, वन का क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, जस्ट अपोजिट होगा, जीरो का वन, वन का जीरो एंड जीरो का वन, यानी कि यहाँ पर क्या आया हमें, 1010। ये कॉम्प्लीमेंट होकर के फाइव का जो हमारा नंबर था उसका कॉम्प्लीमेंट होकर के हमें ये जो आंसर रिटर्न मिला है, यानी जो बाइनरी पैटर्न ये रिटर्न मिला है, ये भी किसी नंबर का क्या होगा, ये भी किसी नंबर का क्या होगा, बाइनरी पैटर्न ही होगा। इसका भी मतलब कुछ ना कुछ नंबर यहाँ पर रिटर्न हो रहा है। तो ये क्या होता है, हमारा बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। तो इस प्रकार से हमारा बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर जो है ये वर्क करता है। इसका सिंटैक्स ये होता है कि एक वेरिएबल को जिसे आप कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं उसकी वैल्यू दूसरे वेरिएबल में आप स्टोर करा लें। अगर हम इसे प्रोग्राम करके देखते हैं तो ये क्या करता है, ये माइनस में यानी कि हमें नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करता है। अगर मैं इसे प्रोग्राम करके आपको दिखाऊं तो ये किस प्रकार से वर्क करेगा, इसे हम देखते हैं सबसे पहले कोड करके। तो हम आ गए हैं अपने कोड एडिटर पर। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, इंट मेन फंक्शन हमने डिक्लेयर कर लिया है। सबसे पहले हमें दो वेरिएबल यहाँ पर बनाने हैं। फर्स्ट एक है जिसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर 2 असाइन कर दी। 2 असाइन करने के बाद, या फिर मैं 5 ले लेती हूँ, कुछ भी ले लेती हूँ, उसके बाद कॉमा कर दिया, एक वेरिएबल और बना लिया जिसमें मैं जो भी कॉम्प्लीमेंट करूँ उसकी वैल्यू इस वाले वेरिएबल में क्या हो जानी चाहिए, स्टोर हो जानी चाहिए। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने बता दिया कि बी इक्वल कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे, उसके बाद ए, यानी कि जो भी ए की वैल्यू हो वो क्या हो, कॉम्प्लीमेंट हो करके बी में, बी नेम के वेरिएबल में क्या हो जाए, स्टोर हो जाए। उसके बाद मैं सिंपल सा क्या करूँगी, अपने बी वाले वेरिएबल को क्या कर दूंगी, प्रिंट करा दूंगी, परसेंट डी कर दिया, उसके बाद मैंने कॉमा कर दिया और बी वैल्यू को क्या कर दिया, यहाँ से मैंने प्रिंट कर दिया, कंट्रोल यस करके सेव किया, उसके बाद F11 करके कंपाइल एंड रन किया। जैसे ही मैंने अपने प्रोग्राम को रन किया वैसे ही क्या हुआ, हमारा जो प्रोग्राम था यहाँ से सक्सेसफुली कंपाइल एंड रन हो गया और हमें जो वैल्यू रिटर्न में मिली वो क्या मिली, -3 रिटर्न में मिली। यानी कि जो इसका कॉम्प्लीमेंट होने के बाद जो हमें आंसर रिटर्न मिलेगा, यानी कि जो बाइनरी डिजिट मिलेगा वो किसका रहेगा, वो बाइनरी पैटर्न -3 यानी जो हमारा 3 होता है उसका क्या होगा, बाइनरी पैटर्न होगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर का हम बाइनरी डिजिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, बिट वाइज ऑपरेटर का यूज करते हैं। बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर जो होता है इस प्रकार से वो वर्क करता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर, यानी बिट वाइज लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं। तो आज का टॉपिक अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।